श्री सालासर हनुमान सेवा मंडल सूरत और श्री सालासर हनुमान नवयुवक मंडल सूरत द्वारा तारीख 4 फेब्रुआरी 2024 रोज पर्वत पाटिया खाते सालासर धाम मॉडल इंग्लिश स्कूल प्रांगण में 20वें वार्षिक उत्सव आयोजन कराया। श्री सालासर हनुमान सेवा मंडल सूरत और श्री सालासर हनुमान नवयुवक मंडल सूरत द्वारा 4 फेब्रुआरी 2024 रोज पर्वत पाटिया खाते सालासर धाम मॉडल इंग्लिश स्कूल प्रांगण में 20वीं रोज वार्षिक उत्सव आयोजन कराया। सवारे 9 થી લઈ રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી આયોજન થયું હોય। સામૂહિક સુંદરકાંડ પાઠ, ભવ્ય વચન સંધ્યા, અખંડ જ્યોતનું આયોજન કરાયું। રાજ્યના કલાકારો પણ હાજર રહ્યા। સાલાસર ધામની આ 20મો વાર્ષિક ઉત્સવ દરમિયાન અલૌકિક ઝાંખી અને શૃંગાર પણ કરાયો, જેમાં ભક્તો પણ મન મૂકી સાલાસર ભગવાનની ધૂનમાં ઝૂમી ઉઠ્યા। મુખ્ય અતિથિ તરીકે મહાકાળ ઉજ્જૈનના પ્રધાન પૂજારી પ્રદીપજી ગુરુ, સાલાસર ધામના અનુજ પૂજારી વિશેષ પણ હાજર રહ્યા। શ્રી સાલાસર હનુમાન સેવા મંડળ સુરત સાથે આયોજક સમિતિના સંરક્ષક તરીકે સત્યનારાયણ ગોહિલ, અધ્યક્ષ ચૈનસુખ ઝવર, ઉપાધ્યક્ષ બંટીભાઈ ગુપ્તા, સચિવ તરીકે મહાવીર પ્રસાદ રાંદડ, કોષાધ્યક્ષ પવનકુમાર રાંદડ, સહસચિવ તુલસીરામ હેડા, પ્રચાર પ્રસારણ તરીકે ઓમકાર મિશ્રા, સમગ્ર આયોજન કરાયું હતું। ભજન सालासर सेवा मंडल भक्त सेवक मंडल ने आगे भी अपने प्रकल्प यहाँ पे पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना अगला कदम बताया है कि वो सालासर हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्वार, वो भगवान महाकालेश्वर का भी एक मंदिर यहाँ पे निर्माण कराएंगे। उसके लिए बहुत जल्दी भूमि का चयन करके सेवा मंडल अपने प्रकल्प को इस सूरत के लिए सौगात के रूप में देंगे। जय श्री महाकाल। मेरा नाम महावीर रांदड़ है। श्री सालासर हनुमान सेवा मंडल में मैं सचिव के पद पे हूँ। ये मंडल 20 साल से प्रोग्राम करते आ रहा है। ये 20वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें सुबह बाबा की अखंड ज्योत ली गई थी, उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया था। 12:15 बजे सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद में एक साइड में भजन संध्या चालू कर दी गई और दूसरी साइड में विशाल भंडारा चालू किया गया है। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है और शाम को 10 बजे तक 6 कलाकार भजन कीर्तन करेंगे। ये प्रोग्राम करवाने का और ये वार्षिकोत्सव मनाने का सालासर हनुमान सेवा मंडल का एक ही उद्देश्य है कि सालासर बालाजी का और उज्जैन के महाकाल का यहाँ पे भव्य मंदिर बनाया जाए। आज कम से कम 3 से 5 हज़ार भक्तों ने मंदिर यहाँ पे प्रांगण में आए, दर्शन किया और प्रसाद भी ग्रहण किया। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हर साल ये कार्यक्रम होता है। सेवा मंडल जो मन से भाव से ये कार्यक्रम करता है, भगवान से प्रार्थना है कि सबको सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे और ऐसे ही हर साल प्रोग्राम कराते रहे और भव्य आयोजन कराते रहे। जय श्री बालाजी।